काली सास की एक काली और तीन गोरी बहू। कलावती के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन होता है, क्योंकि आज कलावती के चारों बेटे अनुज, मनीष, मोहित, रितेश की निया, ऐश्वर्या, श्रुति और अर्चना नाम की लड़कियों से शादी होती है। निया, ऐश्वर्या, श्रुति दिखने में काफी सुंदर और गोरी होती हैं, जिससे तीनों बहुओं को ही अपने गोरे रंग पर घमंड होता है। लेकिन वहीं अर्चना दिखने में काले रंग की होती है। अर्चना के काले रंग को देखकर तीनों ही गोरी बहुएं अर्चना से मुंह बना लेती हैं। श्रुति, निया, ऐश्वर्या और अर्चना, इस आरती की थाली में अपने पैर रख कर घर के अंदर अपने पैरों की छाप छोड़ो। अर्चना बहू, सबसे पहले तू अपने पैरों की छाप छोड़, तू इस घर की सबसे बड़ी बहू है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आपने इसका रंग नहीं देखा, कितना काला है। कहते हैं काले लोग मनहूस होते हैं, और आप इस मनहूस के पैरों की छाप ले रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हम जैसी इतनी गोरी तीनों बहुओं को लाने के बाद भी अपनी चौथी बहू इतनी काली कैसे ला सकती हैं। अपनी तीनों देवरानियों की बात सुनकर अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी कलावती कहती है, तुम तीनों ये क्या कह रही हो? अर्चना तुम्हारी जेठानी है, और अपनी जेठानी के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? भले ही तुम तीनों रंग में गोरी और अर्चना बहू काली, लेकिन मैं अपनी चारों बहू को एक समान नजरों से देखती हूँ। मैं तुम चारों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करूंगी। तुम तीनों भी ये बात अच्छे से समझ लो, यही तुम तीनों के लिए ठीक रहेगा। श्रुति, निया बोलती हैं, बस कीजिए माँ जी, हम सच ही तो कह रहे हैं। तभी ऐश्वर्या कहती है, श्रुति, निया, तुम भी ये बात किसे कह रही हो? अरे जैसी बहू वैसी सास, तुमने माँ जी का रंग नहीं देखा, बिल्कुल कोयले की तरह काला है, इसलिए माँ जी अपनी काली बहू की साइड लेंगी ना। ऐश्वर्या, तुम ये क्या कह रही हो? जानती भी हो अपनी सास के बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? अभी की अभी माँ जी से माफी मांगो। हमारी प्यारी काली जेठानी, अपना ये भाषण अपने पास रखो, समझी? हमें तुम्हारा भाषण सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम होती कौन हो मैं ये बातें बताने वाली कि हमें किससे कैसी बात करनी चाहिए और कैसी नहीं? श्रुति, ऐश्वर्या और निया की बात सुनकर अर्चना और कलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बहू और देवरानियों की ऐसी बात सुनकर कलावती और अर्चना कुछ नहीं कह पाती हैं, जिसके बाद तीनों गोरी बहुएं मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। चारों बहुओं की शादी को पूरा एक महीना गुजर चुका था, लेकिन तीनों गोरी बहुएं घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती हैं और पूरे दिन बैठकर सिर्फ शॉपिंग, घूमना फिरना और अपना मेकअप करती हैं। और बेचारी अर्चना को ही घर के सारे काम काज करने पड़ते हैं, जिसे देखकर कलावती को बहुत बुरा लगता है। लेकिन कलावती जानती थी कि उसके कहने पर भी उसकी तीनों गोरी बहू पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहू, ये देख, ये हमारे खानदान का सोने का सेट है, इसे मेरी सास ने मुझे दिया था और मैं तुझे दे रही हूँ। तू इस सेट को संभाल कर रखियो, ठीक है? ये तेरे पर काफी अच्छा लगेगा। माँ जी, आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है और इस हार पर सिर्फ तेरा हक है, ना कि किसी और का। मेरी काली सासू माँ जी, मेरी काली जेठानी बिल्कुल ठीक कह रही है। इतना सुंदर हार अगर ये ब्लैक ब्यूटी पहनेगी तो इसकी तो सारी की सारी शोभा ही चली जाएगी। चाहे तुम लोग कुछ भी बोलो, लेकिन इस हार पर सिर्फ अर्चना बहू का हक है, ना कि तुम तीनों में से किसी का। आप क्यों मुझसे अपनी बेइज्जती करवाने पर तुली हुई हैं? चुपचाप से ये हार आप हमें दे दीजिए या और बेइज्जती कर दें। जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें ये हार ही चाहिए ना? रखो ये हार, माँ जी से बढ़कर नहीं है। बहू, ये तू क्या कर रही है? इस पर तो सिर्फ तेरा हक है। मेरे लिए इस हार से बढ़कर आपकी इज्जत है। आप मेरे साथ हो, इससे बढ़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हार आप इन्हें ही लेने दीजिए। अर्चना वो सोने का पूरा सेट उठाकर अपनी तीनों गोरी देवरानियों के हाथ में रख देती है, जिसके बाद तीनों खुश होकर उस सेट को आपस में बांट लेती है और अपने कमरे में चली जाती हैं। कलावती की तीनों गोरी बहुएं कभी अर्चना को तो कभी कलावती को उनके काले रंग को लेकर हमेशा ताने देती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन कलावती अपनी तिजोरी में बहुत सारे पैसे रख रही होती है, जिसे कलावती की तीनों गोरी बहू देख लेती हैं और उनकी नियत बदल जाती है। ऐश्वर्या, निया, देख रही है तुम दोनों, हमारी काली सासू माँ के पास कितने सारे पैसे हैं और इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है।
अगर ये पैसे हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी में तो चार चांद लग जाएंगे, फिर हम आराम से अपनी जिंदगी को जिएंगे। लेकिन ये पैसे हमें कैसे मिलेंगे? सारी प्रॉपर्टी तो इस काली बुढ़िया के नाम है, और मुझे तो लगता है कि मरते हुए ये सारी प्रॉपर्टी अर्चना के नाम कर देगी। अगर एक बार प्रॉपर्टी अर्चना के नाम हो गई तो हम तो इस घर में नौकर बनकर रह जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, माँ जी ने तिजोरी की चाबी भी अर्चना को दे रखी है, इसलिए अब हमें अपने रास्ते का कांटा हटाना होगा, जिसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? ऐश्वर्या निया और श्रुति को वो अपना प्लान बताती है, जिसके बाद तीनों बहुएं जाकर कलावती के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती हैं और उसमें चुपके से जहर मिला देती हैं। लेकिन उन तीनों को ये नहीं पता था कि अर्चना ये सब देख रही होती है, जिसके बाद गोरी बहुएं वो खाना अपनी सास के पास ले जाती हैं। तुम तीनों को अब मुझसे क्या चाहिए? चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम तीनों की शक्ल भी नहीं देखनी है। आप हमें माफ कर दीजिए, हमने आज तक जो कुछ भी किया उसका हमें पछतावा है। अब हम कभी भी आपके या अर्चना भाभी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमें हमारी गलती का पछतावा हो चुका है, अब हम कभी भी काले या गोरे रंग में भेदभाव नहीं करेंगे। अपनी तीनों बहुओं को माफी मांगता देख कलावती अपनी तीनों बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद आज हम तीनों ने आपके लिए आपका मनपसंद खाना बनाया है, खाकर बताइए कि कैसा बना है। कलावती जैसे ही खाना खाने जाती है तो अर्चना अचानक आ जाती है और कलावती को खाना खाने से रोक देती है। माँ जी खाना मत खाइए, इस खाने में जहर मिला हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा था इन तीनों को इस खाने में जहर मिलाते हुए। ये तो क्या कह रही है बहू, भला ये तीनों मुझे क्यों मारना चाहेंगी? माँ जी ये तीनों आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए मारना चाहती हैं, मैंने इनकी सारी बातें सुन ली थी। ये झूठ कह रही है, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर माँ जी आपको यकीन नहीं है ना तो इन तीनों को बोलिए कि ये तीनों इस खाने को खाएं, फिर देखना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगता है अर्चना बहू को कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए तुम तीनों ये खाना खा लो। कलावती की बात सुनकर ऐश्वर्या श्रुति और निया तीनों ही डर जाती हैं और खाना नहीं खाती है, जिसे देखकर कलावती को अर्चना की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो कहती है, तुम तीनों भले ही रंग से गोरी हो लेकिन दिल की बहुत काली हो, मुझे नहीं पता था कि तुम तीनों ये सब करोगी। अब तुम तीनों इस घर में रहने के लायक नहीं हो, अभी की अभी अपना सामान उठाओ और इस घर से दफा हो जाओ। मैं अपने तीनों बेटों को कहकर तुम तीनों को तलाक दिलवा दूंगी, तुम ना ही तो इस घर की बहू बनने के लायक हो और ना ही उनकी पत्नियां। माँ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें घर से मत निकालिए, अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पतियों ने अगर हमें तलाक दे दिया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माँ जी लगता है अब इन तीनों को सच में अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, आप इन्हें एक मौका दे दीजिए। हर किसी को जिंदगी में अपनी गलती को सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए। अर्चना की बात सुनकर कलावती अपनी तीनों गोरी बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद तीनों गोरी बहुएं सुधर जाती हैं और अपनी काली सास और काली जेठानी के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करती हैं, जिसके बाद अब सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। देखिए बहन जी, आपकी लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन दहेज में हम लोग 10 लाख रुपए और घर का बाकी सामान लेंगे। क्या 10 लाख रुपए? बहन जी ये तो बहुत ही बड़ी रकम है, हम लोग इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? हम एक मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले हैं, इतनी बड़ी रकम हमारे लिए जोड़ पाना नामुमकिन है। तो ये रिश्ता होना भी नामुमकिन है, आप देखो आपकी बेटी का रंग कितना काला है, इसके बावजूद भी मैं आपकी बेटी का रिश्ता अपने इतने सुंदर बेटे के साथ कर रही हूँ, तो इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। मैंने कौन सा आपसे आपकी पूरी जायदाद मांग ली है, मैं तो बस 10 लाख रुपए ही मांग रही हूँ, और आज के जमाने में 10 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ये आपके लिए बड़ी रकम ना हो लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। जब दहेज देने की हैसियत नहीं है तो हमें यहाँ क्यों बुलवाया और क्यों हमारा समय बर्बाद किया? चल बेटा तेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है, मेरे हीरे जैसे बेटे के लिए घर के बाहर लड़कियों की लाइन लगी रहती है। इतना कहकर अंबिका अपने बेटे को ले जाती है। दिव्या के काले रंग की वजह से दिव्या का रिश्ता कहीं पर भी नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते दिव्या के माता पिता आरती और संजय दोनों ही परेशान रहते थे।
हमारी बेटी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, घर के सारे कामकाज भी जानती है, लेकिन सिर्फ इसके काले रंग की वजह से इसका कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है। बाहर के लोग बातें बनाने लगे हैं कि क्यों हमने अपनी बेटी को अभी तक घर पर बिठा रखा है। पिताजी, माँ, आप दोनों फिक्र मत करिए। अगर मेरे नसीब में मेरी शादी है तो मेरी शादी जरूर होगी। अपने लिए हमेशा आने वाले रिश्तों को शादी से मना करता देख दिव्या को भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन दिव्या जानती थी कि अगर वो अपने माता पिता के सामने रोने लग गई तो उसके माता पिता की बच्ची कुची हिम्मत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए दिव्या हमेशा अपने माता पिता को हिम्मत देती है। दिव्या के जैसे ही कुछ हाल शर्मा परिवार के आदित्य का भी होता है। कहने को आदित्य का परिवार एक रईस परिवार होता है, लेकिन आदित्य के बौनेपन की वजह से आदित्य का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तो हम ये रिश्ता मंजूर समझे? हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है, लेकिन इसके लिए हमारी एक छोटी सी शर्त है। हम चाहते हैं कि शादी के बाद आपकी आधी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम हो जाए। लेकिन शादी के बाद तो सब आदित्य और अंजलि का ही है, तो प्रॉपर्टी नाम करने वाली बात कहाँ से आ गई? और हम तो आपसे कोई दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, तो फिर ये सब क्यों? देखिए, हमारी लड़की में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। पढ़ी लिखी है, सुंदर है, संस्कारी है, तो हमारी लड़की के लिए रिश्ते की कमी थोड़ी ना है। लेकिन आप अपने बेटे को देखिए। हाँ, भले ही अमीर घर से हो, लेकिन आपके बेटे के बौनेपन की वजह से पहले भी कई लोगों ने अपनी बेटी को देने से मना किया। हम तो फिर भी रिश्ते के लिए मान गए हैं, तो आप क्या हमारी एक छोटी सी शर्त नहीं मान सकते? माँ, आप चलिए यहाँ से। इन लोगों को अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी है, बल्कि अपनी बेटी को बेचकर हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है। ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊं। मुंह संभाल कर बात करो, तुम जानते नहीं हो कि हम लोग कौन हैं? 4 फुट की हाइट है नहीं, और जुबान 12 फुट की चला रहे हो। अपनी हाइट का मजाक बनता देख आदित्य वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। आदित्य की माँ सविता आदित्य को आवाज देती रह जाती है, लेकिन आदित्य गुस्से में गाड़ी लेकर निकल जाता है। गुस्से में होने की वजह से आदित्य रोड पर गाड़ी बहुत तेज चला रहा होता है कि तभी सामने से दिव्या रोड क्रॉस कर रही होती है। दिव्या को देखकर अचानक आदित्य ब्रेक मार देता है, जिससे दिव्या का एक्सीडेंट होते होते बचता है। आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इतनी तेजी से गाड़ी क्यों चला रहे थे? आप जानते हैं ना, इतनी तेजी से गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। आप प्लीज गाड़ी आराम से चलाइए, ना ही तो ये आपके लिए अच्छा है और ना ही किसी और के लिए। I'm sorry, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। आपके हाथों में ये पूजा की थाली है, शायद आप मंदिर जा रहे हैं, तो इफ यू डोंट माइंड मैं आपको मंदिर ड्रॉप कर दूं। आज मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है, मैं उसके लिए पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। जिसके बाद आदित्य दिव्या को मंदिर ड्रॉप कर देता है और उसके साथ जाकर मंदिर में पूजा करने लगता है। दिव्या का शांत और इतना अच्छा स्वभाव देखकर आदित्य दिव्या को पसंद करने लगता है। अब आदित्य और दिव्या बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों ही अक्सर एक दूसरे से मिला करते हैं। इसी बीच दोनों के लिए आए दिन रिश्ते आते हैं, लेकिन दिव्या के काले रंग और आदित्य के बौनेपन की वजह से लोग शादी के लिए मना कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन, दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ मेरे बौनेपन की वजह से शायद तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर दो, लेकिन मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है आदित्य, तुम बौने हो पर दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हो। लेकिन यकीन तो मुझे नहीं हो रहा कि तुम जैसे लड़के ने मुझ जैसी काली लड़की को पसंद किया है। दिव्या, मैंने तो कभी भी तुम्हारा रंग देखा ही नहीं, मैंने तो बस तुम्हारा मन देखा है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिव्या शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद आदित्य और दिव्या दोनों ही अपने अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। जिसके बाद आदित्य के माता पिता दिव्या का हाथ मांगने उसके घर जाते हैं। बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, अब तो बस आप जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए। हम आपकी बेटी को जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। बहन जी, मैं तो खुश नसीब हूँ कि आप जैसे बड़े परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हम लोग आप लोगों की तरह अमीर नहीं है। आप जितना दहेज मांगोगे हम उतना दहेज नहीं दे पाएंगे।
हमें बस आपकी बेटी चाहिए, ना कि दहेज। आप अपनी बेटी को एक साड़ी में भी विदा करेंगे तो भी हम उसे खुशी खुशी अपने घर ले जाएंगे। सविता की बातें सुन आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों ही समधन एक दूसरे के गले लगती हैं, जिसे देखकर आदित्य और दिव्या दोनों ही बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों में दोनों ही घरों में शादी की रस्में, हल्दी, मेहंदी, संगीत शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब दोनों ही परिवार बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। शादी के बाद दिव्या अपने ससुराल आ जाती है। सभी लोग दिव्या से बहुत प्यार करते हैं और उसका बेटी की तरह ख्याल रखते हैं। लेकिन दिव्या के मन में अभी भी उसकी काली रंग को लेकर बहुत दुख होते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे कविता, तेरी बहू तो रंग रूप में बहुत काली है, इतनी भी क्या जल्दी थी अपने बेटे की शादी करने की, जो इतनी काली बहू को उठा कर ले आई। दूर खड़ी दिव्या कमला की बात सुन लेती है और अपने काले रंग के बारे में सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी सविता कहती है, मेरी बहू काली है तो क्या हुआ, बहुत संस्कारी है, हम सबका इतना ख्याल रखती है, शिकायत का एक भी मौका नहीं देती है, और हम भी दिव्या को बहू कम बेटी ज्यादा मानते हैं। हाँ लेकिन, लेकिन क्या, जब मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आई थी तो तुमने मेरे बेटे का बौनेपन का मजाक उड़ाकर अपनी बेटी का रिश्ता करने से मना कर दिया था, लेकिन आज मेरा बेटा बहुत खुश है, तो तुमसे मेरे बेटे की खुशी नहीं देखी जा रही है, ऊपर से मेरी बहू में कमी निकाल रही हो। सविता को भड़कता देख कमला डर जाती है, जिसके बाद वो बिना कुछ कहे चुपचाप से चली जाती है। अपनी सास को अपनी साइड लेते दिव्या के आंसू रुक जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद दिव्या के मन से अपने काले रंग को लेकर जितने भी दुख थे वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं।